सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, CBT 3 का जो एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है, 21 मई को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। सो सभी लोग अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वैसे देख सकते हैं, मगर दोस्तों अभी सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। तो किस वेबसाइट पर ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, वहाँ से जाके आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एडमिट कार्ड सिर्फ उन लोगों का है जिन लोगों का जो कैंडिडेट का फनी साइक्लोन की वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ था, और दूसरा जो इमेज रिप्रेजेंटेशन में जिन लोगों का बिल्कुल सही पाया गया कि उनके इमेज में प्रॉब्लम थी या उसके एग्जाम सेंटर में किसी तरह की कमी पाई गई थी, उन लोगों का ये एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग जिनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया है, वैसे तो आपको मोबाइल या ईमेल पर आपका जवाब दे दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है। इसके अलावा अगर आपके सामने नहीं आए तो दोस्तों मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं अपना लॉगिन नंबर जो है, यूज़र आईडी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट और रेलवे के रिगार्डिंग आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों चलते सीधे RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो दोस्तों यहाँ देखिए RRB की मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, अब आपको यहाँ पे भुवनेश्वर वाला ये देखेंगे आप, यहाँ पर जो भुवनेश्वर जोन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और भुवनेश्वर जोन में ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। अब देखिए ये भुवनेश्वर जोन का जो खुल चुका है, अब आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर यानी कि कल की डेट में लेट नाइट हुआ है दोस्तों, 17 मई को आपका देखिए, क्लिक हियर टू डाउनलोड ई कॉल लेटर एंड ट्रेवल पास एस एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT रीशेड्यूल ऑन 21 मई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट फॉर फनी साइक्लोन इम्पैक्ट कैंडिडेट। तो फनी साइक्लोन वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देखिए किन लोगों के लिए आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रीशेड्यूल कैंडिडेट ऑन 21 मई, लॉगिन टू व्यू ई कॉल लेटर आप देख सकते हैं, एंड ट्रैवल पास एज एप्लीकेबल, अगर आपका मान एप्लीकेबल है तभी आपको दिखेगा, फॉर फनी साइक्लोन इम्पैक्टेड कैंडिडेट, जो फनी साइक्लोन के इम्पैक्ट के स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ था उन्हीं लोगों के लिए है, एंड रीशेड्यूल कैंडिडेट ऑन अकाउंट ऑफ इमेज डिस्प्ले इशू ऑन 10 मई। इसके अलावा जिन लोगों का 10 मई को इमेज डिस्प्ले के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हुई थी, उन स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम 21 मई को ही होगा और उनका भी एडमिट कार्ड देखेगा। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम रीशेड्यूल है या एडमिट कार्ड डाउनलोड है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सिटी भी इंडिकेट करें। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।